नमस्कार, एमपी न्यूज में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं श्रद्धा बुंदेला। तो मध्य प्रदेश में इन दिनों आदिवासी राजनीति जोर पकड़ रही है। नेताओं और दलों के बीच सबसे बड़ा आदिवासी बनने की होड़ सी मची हुई है। हाल ही में सरकार के गौरव जनजाति दिवस मनाने के बाद से लेकर आज तक राजनैतिक दल में खुद को आदिवासी हितैषी साबित करने के लिए साम दाम दंड भेद सारी पॉलिसी अपनाई जा रही है। और अब तो साफ साफ नजर आ रहा है कि बीजेपी में भगवा रंग का जो दुपट्टा बीजेपी ओढ़ती थी, अब वो पीला हो चुका है। साफ साफ आदिवासी रंग में बीजेपी जो है वो रंगी हुई नजर आ रही है। इस वक्त हम आपको बताएं कि हमारे साथ फोन लाइन पर डॉक्टर हीरालाल अलावा जुड़े हुए हैं, जो कि कांग्रेस विधायक है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमपी न्यूज में। सर, आखिरकार आदिवासियों को इतना क्यों साधा जा रहा है? आदिवासियों पर इतनी राजनीति क्यों? और जिस तरह से बीजेपी भगवा रंग का जो दुपट्टा ओढ़ती थी वो अब पीला हो चुका है, किस तरह से देखते हैं आप इसे? देखिए, 2018 के विधानसभा चुनाव में जब पूरा आदिवासी बाहुल्य एरिया थे, जिसमें 47 विधानसभा सीटें थी, ज्यादातर बीजेपी उन सीटों पर हार हुई है। और 2023 के चुनाव की तैयारी देखते हुए ये लोग, इनको आदिवासी याद आ रहे हैं। जब से शिवराज सिंह चौहान सरकार जो बनी है, कमला जी सरकार को गिराकर, इन्होंने कभी भी आदिवासियों के हितों को ध्यान में नहीं रखा। आज ग्राम सभा की अनदेखी कर आदिवासी क्षेत्रों में जो उत्खनन, अवैध उत्खनन हो रहा है, बड़े बड़े जो ठेकेदार है, बड़े बड़े कॉन्ट्रेक्टर अवैध रूप से उत्खनन कर रहे हैं, उसके ऊपर शिवराज सिंह चौहान सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही। ग्राम सभा के पास आज आमदनी का कोई जरिया नहीं है। आज जब से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान सरकार बनी है, चाहे नेमावर हत्याकांड हो, नीमच हत्याकांड हो, आदिवासियों के ऊपर शोषण और बर्बरता बढ़ी है। अभी पिछले दिनों आदिवासी उप योजना का 23 करोड़ रुपये मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी की छवि को चमकाने के लिए खर्च कर दिया, जनजाति गौरव दिवस के नाम पर। अगर आदिवासी हितैषी होने का शिवराज सिंह चौहान सरकार इतना ही प्रदेश में दिखावा कर रही है, तो ये आदिवासियों के हित का पैसा, आदिवासी उप योजना का पैसा एक इवेंट मैनेजमेंट के लिए क्यों खर्च किया गया? दूसरी आपको मैं बताना चाहूंगा, आज 2023 के चुनाव में आदिवासी वोट बैंक हासिल करने के लिए शिवराज सिंह चौहान सरकार आज जनजाति गौरव दिवस मना रही है, टंटे भील की पुण्यतिथि मना रही है। इससे पहले शिवराज सिंह चौहान जी को आदिवासी क्यों याद नहीं आए? पिछले 15-17 साल से शिवराज सिंह चौहान सरकार अधिसत्ता में, इनको आदिवासियों की पांचवी अनुसूची क्यों नहीं याद आई? तेसा कानून अब तक क्यों याद नहीं आया? आज जनजाति सलाहकार में जहां मुखिया आदिवासी को होना चाहिए, आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी उसका अध्यक्ष बन के बैठे हैं। तो ऐसे में आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए जो योजनाएं बनाई जा रही है, वो आदिवासियों के ग्रामीण स्तर पे धरातल पे कहाँ उतर रही है? सब कागजों पे तैर रही है। तो सीधी सी बात है, ये आदिवासियों के वोट बैंक हासिल करने के लिए सत्ता के लालच में सभी ढोंग कर रहे हैं, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लालची है, और इसके जो नेता थे भारतीय जनता पार्टी, कल तक देश जैसे संगठन को देशद्रोही, नक्सलवादी और पीले गमछे वालों को, ये देश तोड़ने वालों से कंपैरिजन करते थे। आज जब चुनाव आ रहे हैं मध्य प्रदेश में, तो आज खुद मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे, पीला गमछा धारण किया। अमित शाह जी आए थे, उन्होंने पीला गमछा धारण किया। शिवराज सिंह चौहान जी आदिवासी क्षेत्रों में जाते थे, पीला गमछा धारण कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले तक आदिवासियों को, जय संगठन को देशद्रोही बताने वाली उषा ठाकुर पीला गमछा धारण कर रही है। और अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी की जो पूर्व मुख्य कैबिनेट मंत्री रंजना बघेल जी ने पीले गमछे वाले संगठनों को और पीले गमछे धारण करने वालों को आपराधिक प्रवृत्ति और चोरी करने वाला बताया। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है, जो आदिवासियों की तरफ हमेशा एक नकारात्मक नजरिया रहा है। आदिवासियों को हमेशा इन लोगों ने सभी एक सकारात्मक दृष्टिकोण से नहीं दिखा, और आज सत्ता के लालच में इनको भगवा छोड़कर पीला गमछे धारण करना चाहते हैं। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ने के लिए। हम आपको बताएं कि दूसरी तरफ हमारे साथ बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया जुड़े हुए हमारे साथ फोन लाइन पर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, बीजेपी हो या कांग्रेस, आदिवासियों का आखिरकार इतना क्यों साधा जा रहा है? आदिवासियों को लेकर इतनी राजनीति क्यों? दूसरा सवाल हमारा आपसे ये है कि जो दुपट्टा आपका भगवा हुआ करता था, आज वो पीला कैसे हो गया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, जो मूल विचार है, वो मूल विचार यह है कि समाज में जो अभी भी शोषित है, वंचित है, जो समाज की मुख्य धारा से दूर है, उसको मुख्य धारा में लाना।
अब आज जिस आदिवासी अंचलों की बात कर रहे हैं, आदिवासी बंधुओं की बात कर रहे हैं, अगर वो समाज से कहीं ना कहीं दूर अपने आप को मान रहे हैं, और हम सत्ता में हैं, दिल्ली में भी है केंद्र की सत्ता में और मध्य प्रदेश में भी सरकार में शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व, तो इसी स्थिति में हम हमारा जो वैचारिक अनुष्ठान है उसको पूर्ण करने का प्रयास कर रहे हैं। और जब हम उसको पूर्ण करने का प्रयास कर रहे हैं और चलकर वनवासियों के बीच में हमारे मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं, चल के आदिवासियों के बीच में प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और उनका गौरव बढ़ाने के लिए गौरव दिवस के रूप में उनको सम्मान देने का प्रयास कर रहे हैं, तो कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों होना चाहिए? फिर मीडिया को ये क्यों कहना चाहिए कि राजनीति क्यों कर रहे हैं? यह कोई राजनीति नहीं है, ये सीधी सीधी सेवा का कार्य है। और जो अनुष्ठान, जिस अनुष्ठान को लेकर हमने यात्रा प्रारंभ करी है, अवसर मिला है तो उसे पूर्ण कर रहे हैं, इतनी की बात है। इसके अलावा कुछ भी नहीं इसके अंदर। नहीं, देखिए, भगवा रंग तो जो है शौर्य का प्रतीक है, और भगवा रंग तो भारतीय जनता पार्टी के ध्वज के अंदर भी दो तिहाई भाग में है, तो और भगवा तो हम सबके त्याग, हमारे त्याग बलिदान और शौर्य की गाथा जाता है। और जहां तक पीले रंग की बात आप कर रहे हैं, तो देखिए, इसको रंग से, वर्ग से, जाति से, इससे न जोड़ते हुए सीधे सीधे हमारे उस भाव को पहचानने की आवश्यकता, जिस भाव को लेके हमारा नेतृत्व वनवासियों के बीच में, आदिवासियों के बीच में पहुंच रहा है। और वो भाव सीधा सीधा यह है कि हम उस वर्ग का उत्थान करें, उसको समाज में बराबरी का दर्जा दिलाए, उसे हमारे पास बिठाए और उसको वह दर्जा मिले जो उसने उसका भी वास्तविक में हकदार है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 4 दिसंबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर स्थित पाताल पानी पर भी आ रहे हैं। हालांकि कयास लगाए जा रहे हैं कि पाताल पानी का नाम भी इस समय बदला जा सकता है। चलिए लिखते एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए MP News।